और वहां की यह आधिकारिक भाषा है। 22 भारतीय भाषाओं में मणिपुरी का अपना एक महत्व है, उसका एक समृद्ध साहित्य है। 1,60,00,000 के आसपास लोग इसके बोलने वाले हैं। मणिपुर की तो आधिकारिक भाषा है ही, साथ ही असम के कुछ क्षेत्रों में त्रिपुरा, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में भी अल्प मात्रा में ही सही है कि इस भाषा का प्रयोग होता है। तो आज भाषा संगम के तहत हम मणिपुरी भाषा का प्रयोग करेंगे और हमारे साथ ये 3 बच्चे मणिपुरी, हिंदी और अंग्रेजी, इन तीनों भाषाओं का प्रयोग करेंगे। कल की तरह ही, अन्य कार्यक्रमों की तरह ही आप इसको दोहराएंगे। मैं मंच पर बुलाऊंगा प्रिंस और उनके साथियों को, वो एक एक करके अंग्रेजी, हिंदी और मणिपुरी का प्रयोग करेंगे। हेलो, नमस्कार। रुम जाइए। पार्टी जी, नाम आपका नाम क्या है? अदोंगी मिंग करी कवि। माय नेम इज ऋषभ। मेरा नाम रजनीकांत। आईगी मिंग प्रिंस कवि। हाउ आर यू, आप कैसे हैं? अदम न्यू डायरी भरा। आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। आई न्यू डायरी। अब एक एक करके सब लोग इसका प्रयोग करेंगे। हेलो, हेलो, नमस्कार। रूम जारी। आपका नाम क्या है? दोंगी मिंग करी कवि। माय नेम इज ऋषभ। मेरा नाम रजनीकांत। आईगी मिंग प्रिंस कवि। हाउ आर यू, आप कैसे हैं? अदोम न्यू डायरी भरा। आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। आई न्यू डायरी। आई न्यू डायरी।